नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे, कल अमित शाह और ओवैसी में जो नोकझोंक हुई है उस पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, कल ओवैसी और अमित शाह में जो नोकझोंक हुई है वो पूरा मामला क्या है? देखिए, कल पार्लियामेंट में जो NIA तरमीमी बिल 2019 पेश हुआ था उस पर बहस रखी गई थी, उस पर बहस चल रही थी और लोग अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। अपोजिशन ख़ास तौर से कह रहा था कि जिस तरीके से पोटा और टाडा को ताकतवर बनाया गया था और उसका फिर मिसयूज़ हुआ था, गलत इस्तेमाल हुआ था, इशारा अपोजिशन का ये था कि इसमें मुस्लिम को बतौर ख़ास टारगेट किया गया था और उनको जेल में रखा गया था और बाद में वो बाइज्जत बरी हुए। तो ये शक जाहिर किया गया कि जो ताकत NIA को अब दी जा रही है कहीं इसका मिसयूज़ ना हो, इस पर बहस हो रही थी और सब अपने अपने हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था बाकायदा कि ऐसा नहीं है, ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये मुहिम है और उसके ताल्लुक से उस पर कदगन लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इसको ताकतवर बनाया जा रहा था, ये जो हुकूमत की तरफ से जवाब दिया गया था। इस दौरान BJP के रुकन पार्लियामेंट हैं सतपाल सिंह, उन्होंने इस पर बात कही और उन्होंने एक बात ये कही कि एक वाकया सुनाया कि हैदराबाद में एक दरोगा थे, वो किसी को पकड़ रहे थे जो कोई मुल्ज़िम है, लेकिन एक वहाँ के लीडर ने उनको मना कर दिया और इस तरीके की बात कही। इस पर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे शख्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ऐसे वाकया का, ज़ाती गुफ्तगू का, कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं, आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये टोका तो इस पर अमित शाह जो है वो खड़े हो गए और कहा कि आपको सुनने की जो है वो सकत रखनी चाहिए और आपको सुनना चाहिए। कुछ इस तरीके से उन्होंने जेस्चर किया कि जिस पर असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने कहा कि आप मुझे डराइए नहीं, आप मुझे डराइए नहीं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपके अंदर डर बैठ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। इस तरीके की बातें उसमें जो है सामने आईं और इसके बाद फिर पूरा मीडिया जो है वो इसी चीज़ को कंसंट्रेट करता रहा, बहस भी हुई, तमाम चीज़ें। हालांकि अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वज़ीर दाखला ने जिस जो जेस्चर इस्तेमाल किया, अमित शाह का जो अपना अंदाज है वो जो उन्होंने वहाँ दिखाया वज़ीर दाखला के तौर पर, होम मिनिस्टर के तौर पर, वो दरअसल अपोजिशन को नागवार गुजरा और वो अच्छा नहीं लगा। और ये बात जा करके असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया में बाहर भी कही कि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और एक ऐसे आदमी का जिक्र कि जो पार्लियामेंट में नहीं है वो भी मुनासिब नहीं है। तो ये पूरा मामला था जिसको लेकर के मीडिया में एक तूफान खड़ा हो गया और मीडिया उसको बार बार इस चीज़ को दिखा रहा है, मालूम नहीं कि ऐसी कौन सी बात हो गई। देखिए, ये चीज़ जो है ये पार्लियामेंट की कार्रवाई है, पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पार्लियामेंट में सवाल और जवाब, गुस्सा, नाराज़गी और इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से मीडिया में पेश किया गया वो ऐसा क्यों किया गया, ये ताज्जुब की बात है। जी मुमताज़ साहब, अमित शाह ने कहा है कि अगर आपको डर लगता है तो मैं क्या करूँ, इसमें आपको कैसा लगता है, ये कैसा बयान है? देखिए, ये वाकई जो है वो सोचने पर मजबूर इसलिए करता है कि अगर अमित शाह किसी पार्टी के लीडर होते और कहीं रैली में ये बात कर रहे होते, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे होते तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वज़ीर दाखला जो है वो हैं और फ्लोर में ऐसी बात कर रहे हैं, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होती है? मैं दो मिसालें आपको देता हूँ और जो वो फिक्र रखते हैं मैं उस हवाले से आपके सामने युसरा साहब मिसाल देता हूँ। मसलन एक रावण राज है, एक राम राज है। रावण राज में हर कोई जो है वो रावण से डरा हुआ है,
हर कोई सहमा हुआ, यहाँ तक कि घर के लोग भी जो है डरे हुए हैं, तो उसका अंजाम क्या हुआ। दूसरा राम राज है, रावण का राज आज मिट गया, जिस तरीके से उसके खिलाफ यहाँ पे हर साल रावण दहन होता है आप सब देख सकती हैं। दूसरा राम राज है जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लोग कह रहे हैं राम राज, तो राम राज में क्या होता है, राम राज में एक गरीब शख्स भी जो है वो डरा सहमा नहीं है। आपको मालूम है कि जब फतेह होकर के श्री राम आए और आने के बाद उनके साथ सीता थी, और एक वहाँ पे जो गडेरिया है वो टोक देता है सीता के बारे में, तो वो जो है सीता को छोड़ देते हैं, लेकिन उस गडेरिया को कुछ नहीं कहते, बल्कि वो अग्नि परीक्षा लेते हैं, यानी अपना ही मुहासबा वो कर रहे हैं, अपने घर वालों का मुहासबा कर रहे हैं, ये नहीं किया कि गडेरिया को कत्ल कर देते या उसको मार देते। तो ये है रामराज कि वो लोगों की बात सुनते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं, अगर कहीं चीमगोइयाँ भी हो रही हैं तो उसको भी सुनते हैं। तो जो बात अमित शाह कह रहे थे कि आप सुनने का साहस रखिए और आपको सुनना चाहिए, मैं ये चीज़ कहूँगा कि खुद वज़ीर दाखला अमित शाह जी को भी चाहिए कि वो सुने, अब वो इक्तदार में है, वज़ीर दाखला है, उनके हाथ में मुल्क की बागडोर है, और अगर कहीं कोई डर रहा है तो वो डरना जो है वो हुकूमत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है, वो डर निकलना चाहिए, किसी भी वजह से डर रहा हो, किसी भी वजह से डर रहा हो, वो डर निकलना चाहिए, वो डर बाकी नहीं रखना चाहिए, वरना मुल्क का माहौल जो है वो अच्छा नहीं रहता है। आप किसी को डरा कर, धमका कर, किसी को दबा कर जो है बहुत देर तक कोई अच्छा काम अंजाम नहीं दे सकते हैं, और इसका मैसेज भी जो है दुनिया में अच्छा नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ अगर आपके अंदर डर है, तो मैं समझता हूँ कि आप वज़ीर दाखला हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो डर निकालें। आपको ये बयान, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और देखिए, हर जगह सियासी बयान, हर जगह पॉलिटिकल बयान अच्छा भी नहीं लगता है। आप वज़ीर दाखला की हैसियत से बोल रहे हैं तो वज़ीर दाखला की हैसियत से बोलिए, आप अब पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रह गए हैं कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट की हैसियत से बोल रहे हैं। और हर जगह वोट देखिए, आप इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मजबूत हुकूमत लेकर के आए हैं, तो आप जितना कहते हैं कि दरख्त में जितना फल लगता है वो दरख्त उतना झुकता है, और जो नहीं झुकता है वो उसकी डाल जो है शाखें टूट जाया करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जब आप इतनी मजबूत हुकूमत लेकर के आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो झुकाव जो है वो आपके अंदर आना चाहिए, और अगर कोई डर रहा है, अगर कोई सहमा हुआ है, तो वो डर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम विश्वास जीतेंगे, एतमाद जीतेंगे, तो क्या एतमाद डंडे के ज़ोर से, खौफ के डर से एतमाद जीता जाएगा, कि एतमाद प्यार और मोहब्बत से, आपसी भाईचारे से जीता जाएगा? कैसे आप जीतना चाहते हैं? तो अगर आप डरा करके जीतना चाहते हैं तो ठीक है, आप होम मिनिस्टर हैं, आप मालिक हैं, लोग डरे रहेंगे, लेकिन इसके बाद का रिएक्शन क्या होगा, और दुनिया में इसकी तारीख मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आप हुकूमत में हैं, और आपको अगर वाकई लंबी पारी खेलनी है, तो मैं समझता हूँ कि डराने की बात नहीं है, बल्कि आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर वाकई कहीं ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिससे लोग मुत्तफिक नहीं, अपोजिशन मुत्तफिक नहीं है, अगर आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो मुल्क में कौन है जो दहशतगर्दी का मुखालिफ नहीं है? हिंदुस्तान में मुसलमानों ने ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं है। मसलन ये कि ख़ुद माँ बाप ने निशानदेही की कि हमारा लड़का जो है गलत रास्ते पर चला गया। जब कसाब को फांसी दी गई तो मुंबई के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं दी। हाँ, इस तरीके की और मिसालें, रामलीला के मैदान में जमीयत उलमा हिंद ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया, और इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें। आज तक कोई मदरसे का स्टूडेंट दहशतगर्द नहीं निकला है, और कोई मदरसा ऐसा नहीं निकला जिसमें दहशतगर्द की ट्रेनिंग दी जा रही हो या कोई ऐसी चीज़ सिखाई जा रही हो। तो ये सारी मिसालें मौजूद हैं
तो हर कोई दहशतगर्दी का मुखालिफ है, क्योंकि दहशतगर्दी का अंजाम हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, दहशतगर्दी का अंजाम हम इराक में देख रहे हैं, दहशतगर्दी का अंजाम हम अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक में देख रहे हैं। तो हम वो मुल्क नहीं बनने देना चाहते। हर कोई दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन दहशतगर्दी के नाम पर सियासत की जाए, और जो यूपीए के दौर में भी बड़े पैमाने पर हुआ कि बेकसूर मुसलमानों को, नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। जो असल वाकई दहशतगर्द हैं उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरा कोई हिम्मत न कर सके। इसके लिए कानून यकीनन बनना चाहिए। मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद कोई चीज़ है। जब मुल्क ही नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें कैसी होंगी। तो इसलिए मुल्क की हिफाजत के लिए मजबूत कानून बनना चाहिए, हम सब उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन खुदा के लिए ऐसी बात आप न कहिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जी मुमताज साहब, क्या इस पूरे मामले में अपोजिशन को मुत्तहिद होकर सवाल नहीं उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल इस पर सवाल उठाना चाहिए कि वजीर दाखिला ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि हम क्या कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इशू है कि आप जब इक्तदार में हैं, आप वजीर दाखिला हैं, और आप अगर कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो फिर मुल्क में जो अफरा तफरी मची हुई है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो फिर वो लेंगे कानून अपने हाथ में, क्योंकि आपने तो हाथ खड़े कर दिए। यानी जिसका काम है कि लोगों का डर निकालना और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, वो कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अपोजिशन को उठाना चाहिए। जो मीडिया में जिस किस्म की बहस हो रही है बेसर पैर की, एक से एक वहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, अब बहस शुरू हुई है, बहस चल रही। कल मैं देख रहा था ऐसे ऐसे लोग जो हैं, अब आरएसएस जो है जानकार, आरएसएस के जानकार, अब ये आरएसएस के जानकार कौन सी डिग्री हो गई, वो आके बैठ जाते हैं। मुस्लिम से ऐसे लोग आके जब बैठ जाते हैं जिनका मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो ऐसी डिबेट जो है बिला वजह उठाई जा रही है, और इसीलिए चैनलों की टीआरपी ख़त्म हो रही। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए और मुल्क के लिए भी कि एक पार्टी को अच्छी मेजोरिटी मिली है, मजबूत हुकूमत बन के आई है। तो अगर मजबूत हुकूमत बन के आई है तो उसको उसी मजबूती के साथ चलाना चाहिए, और जहाँ कहीं भी कुछ गलत है तो उसको, उस गलती को दूर करना चाहिए। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।